हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने कितना खूबसूरत सा ये डोरमेट बनाया है। और ये डोरमेट हमारा काफ़ी थिक बना है और बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हमने इसे सुई और धागे से सिलाया है। तो बिना सिलाई मशीन के चलिए डोरमेट बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम जींस के पैंट में से डोरमेट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जींस का पैंट लिया है, फटा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे नीचे से कट कर देंगे। तो अब हम इसमें 2-2 इंची पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसकी लंबाई हम 8 इंची रखेंगे। 8 से 7 भी रख सकते हैं, और इधर से भी हम 2 इंची पे इस पर निशान लगा देंगे सीधा। तो इसकी पट्टियां कट कर लेंगे। हम इसमें से और भी पट्टियां कट कर लेंगे। तो अब हम एक पट्टी लेंगे, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सुई और धागा लेंगे। और इसका हम कच्चा करेंगे, यानी कि थोड़ी दूर दूरी पे हम इसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से खींच देंगे इसे धागे को, तो ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। तो अब हम इसे उल्टा करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, दोनों को एक दूसरे में जॉइंट कर देंगे। तो जो हमारा धागा है उसे हम खींच कर रखेंगे। अच्छे से नोट करके हम धागे को कट कर देंगे और इस तरह से हम और भी फ्लावर बना लेंगे। मैं आपको फिर से बताती हूँ, इस तरह से पट्टी लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसे खींच देंगे और इसे हम पीछे ले जाते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ही हम और बाकी के भी फ्लावर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बना लिए हैं। तो अब हम इनके ऊपर लगाने के लिए पोटली बना लेते हैं। तो जितने भी हमें इसमें लगेंगे उतने हम इसमें फ्लावर बना लेंगे। तो अब हम कोई भी वेस्ट पड़ा हुआ कपड़ा लेंगे, थोड़ा छोटा सा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा लिया है, किसी भी शेप में आप इसे ले सकते हैं। तो अब हम थोड़ी सी कतरन लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से फिल करके छोटी सी पोटली बनाएंगे। अब हम धागा लेंगे और उसे अच्छे से इस तरह से धागे को इस पर रैप करेंगे और फिर इसमें नॉट लगा लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर देंगे, ये हमारे कतरन के काम आ जाएगा।
ऐसे ही हम फ्लावर और ये पोटली बना लेंगे जितनी भी हमें इस डोरमेट में ज़रूरत होगी। तो ये मैंने सारे ये फ्लावर बना लिए हैं और इसके लिए मैंने पोटली भी बना ली है। तो अब हम इसके लिए बेस देख लेते हैं। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पर बेड शीट में से ये कपड़ा कट कर लिया है। तो अब हम एक एक फ्लावर इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इसे हम सिलते जाएंगे। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पर ये बेड शीट में से कपड़ा कट कर लिया है। तो ये थिक है, काफ़ी थिक है ये कपड़ा। तो अब हम एक एक फ्लावर लेंगे और इसे हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसे हम सिल लेंगे। तो अब हम इसी के साथ इसमें पोटली लगा लेंगे। आप चाहे तो पहले भी इसे लगा सकते हैं। हम चारों ओर लगा लेंगे एक के ऊपर एक रखते हुए। तो एक पूरी रो मैंने लगा ली है। तो अब हम सेकंड रो लगाएंगे। तो ऐसे ही इनको भी सिल लेंगे इसी तरह से रख कर। इसे भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से सिलकर। तो ये देखिए सारे बैड्स लगा के मैंने तैयार कर लिए हैं और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये बहुत ही आसान तरीके से हमारा वेस्ट पड़ी हुई जींस से बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।